अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शाही पनीर बनाएंगे घर पे, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। शाही पनीर को बनाना बहुत ही आसान है। शाही पनीर दिखने में जितना रिच और क्रीमी होता है, उसका टेस्ट उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम एक चम्मच बटर लेंगे, इसे मेल्ट होने देते हैं पहले। आप बटर की जगह घी या तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच शाह जीरा डालेंगे, एक तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी और एक बड़ी इलायची और दो हरी इलायची। एक बार इसे चला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बादाम ऐड कर देंगे, यह सूख किया हुआ था, इसका छिलका उतार दिया हमने। थोड़े से काजू, इसे भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच खसखस है, इसे भी मिला देंगे। एक बार मिला लेते हैं। एक प्याज जिसे रफली स्लाइस में कटा है, इसे डाल देंगे। 5 से 6 लहसुन की कलियां और अदरक कटे हुए, इसे भी डाल देंगे। अब इसमें एक हरी मिर्च डाल देंगे और इसे एक बार फिर से चला लेंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर रफली कटे हुए, इसे भी डाल देंगे। इसकी ग्रेवी में प्याज से ज़्यादा टमाटर पड़ता है, हमने प्याज 1 यूज़ किया है और टमाटर 2 कटे हुए यूज़ किया है। एक से 2 मिनट ऐसा ही पका लेने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। एक बार इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसकी लिड लगा देंगे। अब इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, एक बार इसकी लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो प्याज और टमाटर हमने डाला था वो कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसका फ्लेम बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। यह ठंडा हो चुका है, अब इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, इसे हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। इसका पेस्ट छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शाही पनीर बना रहे हैं और शाही पनीर का ग्रेवी बहुत ही मखमली और स्मूथ होता है। ये देखिए, ये जो बच गया है इसे अब हम अलग कर देंगे। छने हुए पेस्ट को हम अलग रख लेंगे। अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन गरम करेंगे और इसमें 1 चम्मच बटर मेल्ट करेंगे। अब इसके अंदर चॉप किए हुए अदरक और एक हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। 4 से 5 सेकंड के लिए इसे मिला लेते हैं। अब इसमें जो पेस्ट रेडी करके रखा था उसे मिला देंगे। फ्लेम मीडियम में रखेंगे और इसे चलाते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। हमने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है, ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अब इस स्टेज पे हम नमक और गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे। ये दूध पर की मलाई है जिसे हमने अच्छी तरह फेंट लिया था, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं।
अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर हमने 200 ग्राम लिया है। पनीर भी हमारा होममेड है, जिसे हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसे ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी मखमली और स्मूथ लग रही है, या खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए शाही पनीर मसाला बनकर हमारा तैयार है। अब इसकी गार्निशिंग कर देते हैं थोड़े से क्रीम से। इसे आप शाही बटर मसाला भी बोल सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।